If I ask you to divide a 7 or 8 digit number, what are you going to do? आप उसको डिवाइड करना शुरू कर देंगे सो एज टू चेक कि क्या वो नंबर किसी गिवन नंबर से डिवाइड हो सकता है या नहीं. यहाँ आता है द कॉन्सेप्ट ऑफ टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी. वी हैव दीज नंबर्स जिनके लिए हमारे पास टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के रूल्स एग्जिस्ट करते हैं. लेट अस स्टार्ट. सबसे पहले यहाँ हमने एक कॉम्बिनेशन लिया है. इफ यू कैन सी वी विल चेक फॉर 2, 4 and 8 टुगेदर. 3 और 9 का हम साथ में देखेंगे और 5 and 10 विल कम टुगेदर और 6 का हम सेपरेटली चेक करेंगे. लेट अस स्टार्ट. सबसे पहले हम चेक करेंगे यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर आता है. एट रैंडम यदि हम एक कोई नंबर लेके चलते हैं, सपोज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0. अब हमें बताना है इस नंबर को हम किस किस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं. तो सबसे पहले देखेंगे हम नंबर 5 और नंबर 10 के लिए. यदि यूनिट प्लेस पे, यूनिट प्लेस यानी कि वंस की प्लेस पे यदि हमारा डिजिट 0 है तब हम कहेंगे द नंबर इज डिविजिबल बाय 10. दूसरी चीज, 0, 10 से तो होगा, साथ के साथ 5 से भी होगा. यदि यूनिट डिजिट में 0 आ रहा है तो 10 और 5 दोनों नंबर उसको डिवाइड करेंगे. और साथ में 5 के साथ एक और केस है, यदि वंस प्लेस पे 5 है तब भी हम कह सकते हैं दिस होल नंबर इज डिविजिबल बाय 5. दैट इज 5 के लिए हमें कौन से दो नंबर्स चाहिए हैं. 5 के लिए चाहिए है 0 और 5. यदि ये दो नंबर्स वंस प्लेस पे एग्जिस्ट करते हैं देन वी कैन से दैट कोई भी नंबर 5 से डिवाइड हो सकता है. टू चेक टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय नंबर 2 वी शैल सी दैट सिर्फ ये 5 नंबर्स देखेंगे हम वंस प्लेस पे. इनमें से कोई भी होगा तो नंबर 2 से डिवाइड होगा. इसके बाद हम चेक करेंगे डिविजिबिलिटी बाय 3 and 9 क्योंकि इन दोनों का भी एक पैटर्न है, दो जो कॉमन पैटर्न है. दैट इज वाई 3 के लिए डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए सपोज हम एक नंबर लेते हैं 7, 2, 2, 1 और 4, 1, 3. यदि हम कोई दो नंबर लेके चलते हैं तो हमें क्या करना है, इसमें 7 plus 2 plus 2 plus 1 दैट इज ये सारे डिजिट्स को आपस में ऐड करना है. जो भी नंबर है उसके सारे डिजिट्स को इंडिविजुअली एक दूसरे से जोड़ेंगे. ये क्या आ रहा है 7, 9, 11, 12. सम करने पे ये नंबर आ गया 12. यहाँ पर 4, 1, 3 का एक एक टर्म को जब हम जोड़ेंगे, एक एक नंबर को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 8. अब यहाँ पर हमें ये ध्यान देना है 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए जो सम आ रहा है, सम ऑफ डिजिट्स, इट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 3. ठीक है, तो 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, 3 4 is 12. बट इज 8 अ मल्टीपल ऑफ 3? नहीं, सिर्फ 12 मल्टीपल है. तो जब हम किसी भी नंबर की डिविजिबिलिटी 3 से चेक कर रहे हैं तो क्या करेंगे, उस नंबर की जो सारे डिजिट्स हैं उनको आपस में जोड़ेंगे और जो भी हमारा आउटकम आता है यदि वो 3 का मल्टीपल है तभी हम कहेंगे कि नंबर इज डिविजिबल बाय 3, नॉट अदरवाइज. ऑलराइट, तो ये केस जो हमने 3 के लिए देखा यही केस हम देखेंगे 9 के लिए भी. 9 में लेकिन थोड़ा सा क्या चेंज रहेगा, प्रोसेस यही करेंगे हम, सम ऑफ डिजिट्स शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 9. लेट अस टेक एन एग्जांपल. सपोज वी टेक अ नंबर 5, 2, 8 and 3. हमें चेक करना है कि क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा है. तो व्हाट आर वी गोइंग टू डू इज वी विल ऐड द डिजिट्स 5, 5, 3, 8, 16, 17, 18. इसका सम आ रहा है सम ऑफ ऑल द डिजिट्स, इसको हम लिख सकते हैं सम ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू 18 एंड 18 इज अ मल्टीपल ऑफ 9. देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, ये जो नंबर है ये 9 से डिवाइड होगा. इसके अलावा यदि हम एग्जांपल लें 7, 5, 8, यदि हम एक कोई नंबर ले रहे हैं तब भी हमें क्या करना है, सम ऑफ डिजिट्स ऐड करना है, दैट विल बी 20.
बट दैट इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 9, देयरफॉर वी कैन से दैट ये नंबर 9 से डिवाइड नहीं होता है. नाउ वी नीड टू चेक फॉर द नंबर 4 एंड नंबर 8. नंबर 4 के लिए हमें क्या चेक करना है, लास्ट 2 डिजिट्स, और 8 के लिए लास्ट 3 डिजिट्स. कोई भी नंबर यदि 4 से डिवाइड हो रहा है, पूरा डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है. लास्ट 2 डिजिट्स यानी वंस और टेंस की पोजीशन पे जो भी नंबर है, जो भी डिजिट है, सिर्फ उसको हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे और चेक करेंगे कि क्या वो पूरी तरीके से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है या नहीं. व्हाट डू यू मीन बाय कम्प्लीट डिवीजन? इसका मतलब ये होता है कि जो भी डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर है, दैट शुड बी इक्वल टू 0, तब हम कहेंगे द नंबर इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय द गिवन नंबर. फर्स्ट केस में 12 पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है 4 से, देयरफॉर 212 भी हम कहेंगे 4 से डिवाइड हो जाएगा. नेक्स्ट केस में ये नंबर 4 2 8 4 1 4, 2 रिमाइंडर बच रहा है, इसलिए हम कहेंगे ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है. 736 के केस में 36 कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है 4 से, देयरफॉर वी कैन से 736 इज ऑल्सो डिविजिबल, कम्प्लीटली डिविजिबल बाय द नंबर 4. नाउ वी गो फॉर द नंबर 8. नंबर 8 के लिए हम क्या करेंगे, वी विल चेक द लास्ट 3 डिजिट्स. जैसे यहाँ पे सिर्फ हमने 2 डिजिट लेके 4 से डिवाइड किया था, यहाँ पर हम लास्ट के 3 डिजिट्स को चेक करेंगे और उनको हम क्या करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे. पहले केस में क्या ये नंबर डिवाइड हो रहा है? यस, इट इज़ बीइंग डिवाइडेड बाय 8. और यहाँ 8 1 8 2 16 और 5 56, ये भी कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है और ये भी कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है. देयरफॉर वी कैन से सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट यदि ये डिवाइड हो रहे हैं 8 से, तो हम कहेंगे कि पूरा का पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड होगा. नेक्स्ट वी विल चेक फॉर द नंबर 6. 6 के लिए हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि वो जो भी हम नंबर ले रहे हैं, दैट शुड बी डिविजिबल बाय 2 एंड 3. यदि कोई भी हम नंबर ले रहे हैं और वो 2 और 3 से डिवाइड हो रहा है, देन डेफिनेटली इट विल बी डिविजिबल बाय 6 एज वेल. लेट अस चेक. इफ वी टेक अ नंबर 20 7 33 52 और 72, सपोज हमने ये नंबर्स लिए, 27 3 से डिवाइड हो रहा है पर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, देयरफॉर 27 विल नॉट बी डिविजिबल बाय द नंबर 6 एज वेल. 33 सिर्फ 3 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये भी डिवाइड नहीं होगा. 52 किससे डिवाइड हो रहा है? इट इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय द नंबर 2 बट नॉट बाय 3, देयरफॉर ये भी नहीं होगा. अगला नंबर है 72. 72 3 से भी डिवाइड हो रहा है और 2 से भी डिवाइड हो रहा है, देयरफॉर 72 विल बी डिविजिबल बाय 6 ऑल्सो. देयरफॉर 6 के लिए सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि नंबर सिर्फ 2 या सिर्फ 3 से नहीं बल्कि दोनों से यदि डिवाइड होता है, तभी वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा. लेट अस नाउ चेक इन ब्रीफ. 2 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या देखना है, यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट होना चाहिए, 0 2 4 6 और 8, तब नंबर 2 से डिवाइड होगा. 4 के लिए हम क्या चेक करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट, किसी भी नंबर के लास्ट के 2 डिजिट यदि 4 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहे हैं, तो वो पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होगा. 8 के केस में क्या करेंगे, हम लास्ट के 3 डिजिट्स को 8 से डिवाइड करेंगे एंड चेक कि वो डिवाइड हो रहा है, तो वो पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड होगा. इसके बाद आता है 3 और 9. 3 के लिए क्या करेंगे, हम जो डिजिट्स हैं, जो नंबर की इंडिविजुअल डिजिट्स हैं, उनको आपस में हम ऐड करेंगे और फिर देखेंगे जो आउटकम है. इफ इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3, तब हम कहेंगे वो नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है. सेम इज़ द केस विद 9. ऑन एडिंग द डिजिट्स ऑफ द नंबर इंडिविजुअली, जो आउटकम है, इफ़ इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ 9, देन वी कैन से द नंबर इज बीइंग डिवाइडेड बाय द नंबर 9 इटसेल्फ. इसके बाद आता है आपका 5 और 10. 10 के लिए यदि 0 है यूनिट प्लेस पे, तो नंबर डिवाइड होगा 10 से, और 5 के लिए यदि 0 है या फिर 5 है यूनिट प्लेस पे, तो नंबर 5 से डिवाइड होगा. इसके बाद आता है 6. 6 के लिए क्या चाहिए, यदि नंबर 2 और 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 6 से भी डिवाइड होगा. सो दीज आर योर रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी. इससे हम बजाय पूरे नंबर को डिवाइड करके चेक करने के, सिर्फ जो हमारे पास बेसिक सिंपल से कॉन्सेप्ट्स हैं उनको यूज़ करके चेक कर सकते हैं.
दैट सेव्स लॉट ऑफ टाइम. अभी हम इन्हीं पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया एज वेल एज रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट यूज होगा, एंड वी कैन सी हाउ वी कैन सॉल्व दोज क्वेश्चंस. सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर.